वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना की चार्मिंग राजदूत ने, ह्वे यानकी ने, केपी ओली की गवर्नमेंट को टेम्पोररली सेव कर लिया है। जी हाँ, ऐसी खबरें निकल के आई है, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमिटी की बैठकें थी नेपाल में, उसकी डेट डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आज जो बैठक होने वाली थी, फिर इसको बढ़ा के फ्राइडे कर दिया गया है। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे उसने सेव कर लिया, वहाँ की चार्मिंग राजदूत ने, वो जो लेडी है, उन्होंने क्या कि उस लेडी ने सबसे पहले सीरीज ऑफ बैठकें की वहाँ के नेताओं के साथ। सबसे पहले वो क्या किया कि वो जाके बैठक की है वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास। उसके बाद उसने जाके क्या किया, वहाँ की चार्मिंग राजदूत ने माधव कुमार नेपाल, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के जो लीडर हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनसे भी इंडिविजुअल मुलाकात की। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि चूंकि सेना की मदद से भी केपी ओली अपना गवर्नमेंट बचाना चाह रहे थे, कि अगर सब सिचुएशन नहीं बच पाता है तो सेना के मदद से कू कर देंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है, और हर इमरान खान जैसा मुंहठोकवा प्रधानमंत्री हम बने रहेंगे। लेकिन वहाँ के जो सेना के प्रमुख हैं पूर्णचंद थापा, उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया कि ये सही प्रपोजल नहीं है। तो अब उनको क्या है, अपने ही लोगों के द्वारा अपनी गवर्नमेंट बचवाना है। तो फाइनली क्या हुआ कि सीरीज ऑफ बैठके करके वहाँ की जो यंग चार्मिंग लेडी है, उस लेडी ने उनकी गवर्नमेंट को सेव किया। एनसीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में दो फ्रैक्शन थे, प्रचंड के ग्रुप का और केपी ओली के ग्रुप का। केपी ओली के ग्रुप वाले प्रोटेस्ट करने वाले थे प्रचंड के खिलाफ, लेकिन उस प्रोटेस्ट को बंद करवा दिया गया उस राजदूत के द्वारा, नेपाल जो चाइना के राजदूत है यंग लेडी, उसके द्वारा। और फाइनली क्या हुआ, इसलिए बंद करवा गया कि दोनों के बीच कंड्यूसिव, जो फ्रूटफुल टॉक हो सके, बातचीत हो सके। और ऐसी खबरें निकल के आ रही है, भारतीय अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में भी लगभग ये बात की पुष्टि की गई है कि सोर्सेज ने उसको काठमांडू से बताया। और जहां तक मैं पढ़ा हुआ सिचुएशन से, अब यही लगता है कि टेम्पोररी ये गवर्नमेंट सेव हो गया है केपी ओली का। मैं ये नहीं कहता कि लॉन्ग टर्म के लिए सेव हुआ है, लेकिन टेम्पोररी जरूर यह गवर्नमेंट सेव हो गया है। उसमें दो चीज पे मेन बातचीत हुई है। एक है कि उस पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने यह बातें की थी कि या तो आप चेयरमैनशिप छोड़ दो पार्टी का, या प्रधानमंत्री बने रहो। फाइनली पुष्प कमल दहाल प्रचंड को चेयरमैन बनाया जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का, और ये प्रधानमंत्री रहेंगे। और उनको नेक्स्ट टर्म जो आएगा उसका प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा। ऐसी बातें निकल के आई है, पुष्प कमल दहालू प्रचंड को बनाया जाएगा, और अभी के लिए केपी ओली प्रधानमंत्री बने रहेंगे, जो कि चाइना के हित में है। पाकिस्तान और चाइना ये सारी बातें कर रही है। हालांकि नेपाल की जो अपोजिशन है, उन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि केपी ओली की गवर्नमेंट अपने नेबर के साथ रिलेशन खराब कर रही है, जिसमें नेपाली कांग्रेस प्रमुख है। तो क्या है कि ये सारी बातें हुई, और फाइनली चाइनीज गवर्नमेंट, या कहिए चाइनीज की यंग लेडी, चार्मिंग लेडी ने ये बात लगभग कंफर्म करा दिया कि केपी ओली अभी प्रधानमंत्री रहेंगे। और अब वहां के लोगों को सोचना चाहिए, नेपाल के लोगों को सोचना चाहिए कि बाहर से कोई लेडीज आके आपकी गवर्नमेंट को बचवा रहा है, आपके यहाँ कौन राज करेगा ये बातें सुनिश्चित कर रहा है। तो आप लोग समझिए कि आप लोग किस तरह के पपेट गवर्नमेंट आपके यहाँ है, किस तरह का चाइनीज कॉलोनाइजेशन हो रहा है आपके देश का लगभग कॉलोनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज भी इंडिया में पहले आए थे, तो पहले वही काम किए, व्यापार के बाद यहाँ राजा महाराजा बनवाना शुरू किया कि कौन राज करेगा। बाद में क्या हुआ कि वो खुद राजा बनने लगे। तो आपकी भी कंट्री की यही होने वाली है अगर आप लोग नहीं जागिएगा। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग अपने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज करिए, क्योंकि आधुनिक युग में एक स्वतंत्र राष्ट्र ऐसा काम नहीं करता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के इंटरनल मैटर्स में आके बाहर की राजदूत चाइनीज लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं, कौन राज करेगा कौन नहीं करेगा ये बातें अगर सुनिश्चित करवाया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका देश स्वतंत्र कंट्री नहीं रहा। जी हाँ, हालांकि प्रचंड इसलिए भी मान जाएंगे क्योंकि प्रचंड भी चाइना के ही तरफ हैं। वो उनका भी पिछला वाला जो जब वो प्रधानमंत्री थे, तो वो भी चाइना के ही तरफ माइंड सेट रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है, कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट का कम्युनिस्ट की तरफ ही माइंड सेट रहता है। तो वो भी कोई दूध के धुले नहीं है।
अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि कैसे भी करके इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ऑब्वियसली भी है, हम लोग प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब चाइना और पाकिस्तान उसकी गवर्नमेंट बनवा सकता है तो हम उनकी गवर्नमेंट को हटवा भी सकते हैं, जो कि नेपाल के लोगों के हित में है। फाइनली वहाँ के लोग भी सपोर्ट करेंगे और ये हमारे हित में भी है। और जो अभी खबरें आ रही थी कि जो पोस्ट 6 चौकियां बनाई गई थी इंडिया के बॉर्डर पर नेपाल के द्वारा, अब हटाया जा रहा है। इसलिए हटाया जा रहा है कि उसके लिए पैसा लगता है, पैसा तो है नहीं, चाइना वो थोड़ी देगा, कुछ दिन के लिए देगा, तो फाइनली वो चौकियां हटाया जा रहा है। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फिर मिलेंगे।